हाय गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ए न्यू व्लॉग। सबको एक नए वीडियो में स्वागत है। तो हम लोग गोल्डन टेम्पल सब घूम लिया, उधर का फूड ले खा लिया, अच्छा था, है ना शोशो? करेक्ट। पेट भर गया था, मन भी भर गया था, बहुत अच्छा लगा। रात का लाइट सब देखकर हम लोग रात वापस आकर फिर सो गया। फिर तो क्या है ना, मॉर्निंग वीडियो उधर शुरू करने का नहीं था, अराउंड 6:45 ऐसे ही हम लोग राइड शुरू किया है। हम लोग अभी ना ऑन दी वे टू आगरा, है ना, बाकी फिर बाद में सोचेंगे करके। तो हम लोग अभी आगे आगे जाना है। और क्या बोलने का शोशो, अभी अर्ली मॉर्निंग है, पेट्रोल भर लिया, थोड़ा वॉशरूम गया, और क्या करने का। अभी तो चाय पीना है, अभी तक कुछ चाय वगैरह कुछ भी नहीं पिया है। तो अभी हम लोग आगे जाकर, शोशु तो ईगरली वेटिंग टू ईट समथिंग, भूख लगी है, क्योंकि कल हम लोग उधर से खाना खाया, फिर इसलिए बाहर से कुछ भी ऐसा खाना नहीं छोड़कर ऐसे ही सो गया था। तो अभी आगे जाएंगे, बात करेंगे। शोशु देखो, मैंने कोट लिया था शोशु, तब मैंने शोशु को 10 बार बोला, शोशु एक ले लो, शोशु नहीं, उनको दूसरे टाइप का चाहिए था, वो ले लिया। अभी देखो मेरा कोट डालकर घूमते रहते है, देख लो क्या है शोशु, शर्म आना चाहिए ना नहीं तो मैं कितनी बार बोला तो एक्सेप्ट तो करना चाहिए था ना। हाँ तो चले आगे, फोगी वेदर है। हाँ इधर देखो, फोगी वेदर है, कल है ना पूरा बारिश था। ओ दो बार हम लोग भीग गया था अतारी बॉर्डर सब जाकर आने से भी। तो अभी इधर पूरा फोगी वेदर है, अच्छा एसी क्लाइमेट है ना शोशु, अच्छा लग रहा है। तो हम लोग आगे जाएंगे, बात करेंगे, है ना। आलू परोठा तक खाना है ना शोशु? करेक्ट, मी एंड माय निम्मू। फिर से हम लोग आलू परोठा के साथ सामने आ गए। तो देखो ये तो अलग है, तंदूरी में बनाते हैं, तंदूरी में बनाते हैं आलू परोठा, ये तो हम लोग पहली बार खा रहे हैं ना। तो हम लोग अभी आलू परोठा खाएंगे, फिर आगे जाएंगे। शोशु को जल्दी खाने का, बेचारी वेट कर रहे थे, हम लोग खाएंगे जाएंगे। ये कुछ अलग ही है, देख लो। एक तंदूरी आलू परोठा ब्रेक लेते हम लोग। अभी नाश्ता खाने के बाद, आलू परोठा खाने के बाद हमारा जर्नी फिर से शुरू हो गया। अभी धीरे धीरे, अभी गर्मी भी शुरू होगा, है ना शोशु? अभी आगे आगे धीरे धीरे हम लोग जाएंगे, अभी तो इतना जल्दबाजी नहीं, है ना शोशु? धीरे धीरे हम लोग जाएंगे और नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो देख लो रोड में क्या क्या ब्यूटी देख रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ देख सकते हैं। अभी गर्मी में है ना, ज़्यादा कुछ दिखाने का भी नहीं, है ना शोशु? बस ऐसे ही धूप निकलते हैं, फिर तो ऐसे ही हवा चलते हैं, वही एक ही रोड ऐसे ही है। तो लद्दाख सब जाते हैं तो रोड वैरायटी आप देख सकते हैं। अभी पूरा हाईवे ही दिखाई देता है, ऐसा कुछ रोड स्पेशल कुछ नहीं है ना शोशु, फुल हाईवे मिलेगा। इसमें क्या ज़्यादा कुछ दिखाने का भी नहीं है, इसलिए हम लोग धीरे धीरे छोटे मोटे क्लिप आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो हम लोग ये पूरा चला कर आया, तो आप लोग भी देखना चाहिए ना, है ना शोशु? हम लोग इतना मेहनत तो कर रहे हैं, एक प्रूफ तो होना चाहिए ना, इसलिए आप लोग देख सकते हैं। अभी तो हम लोग धीरे धीरे कभी कहाँ जाएंगे शोशु? आगरा। तो हमारा आज का डेस्टिनेशन तो आगरा है, कब तक पहुँचेगा तो मालूम नहीं है। तो चले आगे देखें, देख लो ये लुधियाना रोड है ना हम लोग, तो देख लो शिव जी को हम लोग इस तरफ जाते वक्त देखा था ना शोशु, तब सोचा था, फिर भी उस वक्त उधर से जाए तो नहीं हुआ, तो इस वक्त तो ले लेंगे। आप लोग भी देख लो, चले आगे।
हरियाणा एंट्री होने वाला है तो बोर्ड उधर देखा तो शोशु बोले एक बार रुको, हम लोग धीरे धीरे जाकर वो बोर्ड का फोटो लेना है ना शोशु। तो अब लोग हम लोग एंट्री कर रहे हैं हरियाणा, वेलकम टू हरियाणा। तो अभी हम लोग धीरे धीरे जाएंगे, अभी कहाँ आगरा जाने के लिए बहुत दूर है तो हम लोग धीरे धीरे जाएंगे, गर्मी है थोड़ा रेस्ट ले लेंगे फिर जाएंगे, राइड करेंगे रेस्ट लेंगे, यही काम हो गया है ना शोशु, पानी पीना रेस्ट लेना। हमसे ही ज़्यादा ये बच्ची को रेस्ट चाहिए, वो बोलती है मुझे रेस्ट दे दो मुझे रेस्ट दे दो, तो वो रेस्ट लेती है हम लोग उसके साथ बैठती है। तो तीन लोग है ना, तीन लोग अच्छे जोड़ी है ना शोशु, हम लोग तीन लोग मिलते तो हम लोग धीरे धीरे अभी जाएंगे। इधर क्या देखने का है, क्या एक्सप्रेस करने का, कुछ भी नहीं, हाईवे है, अलग अलग रजिस्ट्रेशन का गाड़ी देख सकते हैं है ना शोशु, हवा सब तो सेम है ना, और कुछ नहीं, गर्मी भी सेम है ना। शोशु को हंसी आ रही है मेरी मजाक सुनकर। तो हम लोगों को अभी धीरे धीरे जाने, हम लोग हाईवे हो कुछ भी हो एक एवरेज स्पीड में ही जाते हैं, एक्चुअली हम लोगों को राइडर बोल नहीं सकता, हम लोग ट्रैवलर्स हैं इसलिए है ना शोशु। हाँ वही तो चले शोशु आगे। हाय, हम लोग उधर एक कहने का जूस है ना, गोली सोडा तो पिया था ना रोड पे, पिया था, वीडियो लेने, वीडियो नहीं लिया, रील डाला था। हाँ रील डाला था। तो अभी हम लोग सोचे इधर से ये मौसम्बी का एक जूस पीकर जाएंगे कर, एक बड़ा ग्लास में 60 रुपीज़ एक तो ऑर्डर किया क्योंकि अभी उधर पानी पीकर आया था, तो एक तो हम लोग शेयर करके मैं और शोशु पियेंगे फिर हम लोग जाएंगे। तो देख लो बना रहे हैं, मैं करती हूँ हाँ एक ब्रेक लिया था लंच, दो दो रोटी दाल करी दही बस इतना ही था, ज़्यादा लेने का मन नहीं था। फिर वो खाने के बाद हम लोग हमारा जर्नी शुरू हो गया, आगरा जा रहे हम लोग, तो दिल्ली सब हो गया, आउटर रिंग रोड हम लोग एंट्री हो गया, तो ये बोर्ड देखने से हम लोग स्टॉप किया, अभी हम लोग आगरा जा रहे हैं, आगरा हाँ दिल्ली से आगरा रोड पर एंट्री हो गया, कहाँ तक जाएगा मालूम नहीं है चले। तो हम लोग सुबह अमृतसर से शुरू हो गया धीरे 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 है ना शोशु, नाश्ता खाया फिर लंच खाया, शुगर कैन जूस पी लिया, गोली सोडा पिया, ऐसे धीरे धीरे है ना मौसम्बी जूस पिया, धीरे धीरे हम लोग कहाँ पहुँच गए अभी आगरा के लिए, अभी और 100 समथिंग किलोमीटर है ऑन दी वे टू आगरा। तो हम लोग बहुत थक गया, तो हम लोग क्या सोचा तो चाय पीकर आगे जाएंगे करके, अभी चाय के लिए ब्रेक लिया है, ये चाय अच्छा है, यूपी का चाय अच्छा लगता है, अच्छा है, तो अभी ये पीकर आगे जाएंगे है ना शोशु, फिर बात करें। तो अभी चाय पीने के बाद फिर से हम लोग आगरा के लिए जा रहे हैं, आगरा में अभी कितना टाइम हुआ होगा शोशु पता नहीं, अभी देखने का टाइम नहीं, छोड़ दो। तो अभी देखो तो रोड में तो लाइट है ना, हाईवे में तो जा रहे हैं, सुबह से जा रहे हैं ना शिवशु, मीन्स इतने टाइम से गाड़ी चलाना ही है ना काम। तो हम लोग अभी धीरे धीरे हम लोग जाएंगे आगरा में, आगरा में और एक बात है ना, हम रेगुलर एक ही होटल में ही जाते हैं, अभी तक 4 बार आ गया तो भी वैसे ही एक ही होटल में टिकाना ऐसे ही है। तो हम लोग सोचा है धीरे धीरे उधर ही जाएंगे,
इसलिए आगरा आने से कभी भी टाइम है तभी कम लोग कम्फर्ट फीलिंग होता है। फिर भी तो हाईवे भी है ना, कोई टेंशन नहीं है। अभी थोड़ा रूम जाकर तो फिर रेस्ट लेना है, तो लाइट रोड में है तो थोड़ा और अच्छा लगता है ना शोशो। रोड में लाइट नहीं है तो अच्छा नहीं लगता चलाने में भी। भी देख लो अच्छा लग रहा है ना, हाईवे में पूरा लाइट है। हम लोग धीरे धीरे जाना पड़ेगा। तो और नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज आगरा, तो चले। हाय वेलकम। तो हम लोग है ना अभी अभी आगरा रीच हो गया, तो अराउंड 10 o'clock हो गया। तो हम लोग क्या कर दिया, थोड़ा लेट हो गया तो भी हम लोग सोचा सेम हम लोग एवरी ईयर ईयर हम लोग इधर आते तो एक ही होटल में आते हैं, तो उधर ही आ गया। तो ये वीडियो हम लोग इधर बंद कर रहे हैं ना शोशु। तो बाद में आगे आगे क्या होगा सब दूसरे वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर मिलेंगे। शोशु इस थोड़ा बिजी है ना शोशु, तो बाद में मिलेंगे। कीप वाचिंग, स्टे ट्यून। बहुत राइड किया है ना कल, 6 अराउंड 6-7 अमृतसर टू आगरा। पप्पा कितना लंबा ड्राइव था, थक गया था। ओके थैंक यू, कीप वाचिंग। हाय गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आगरा। आगरा में आप सब लोगों का स्वागत है। तो हम लोग अभी आगरा में हैं, तो क्या सोच रहे हैं, अभी लोग अभी रेडी हो रहे हैं ना शोशु। तो शोशु सुबह सुबह रेडी हो गए, अराउंड अभी 10 o'clock होने वाला है। तो हम लोग थोड़ा सो गया है ना शोशु। तो एवरी मॉर्निंग हम लोग 6 o'clock या 5 o'clock एमरजेंसी है तो 3 o'clock भी हम लोग राइड शुरू करते हैं। तो आज तो बहुत हम लोग कल है ना 675 किलोमीटर कुछ अमृतसर से आगरा तक कंटिन्यूस चलाते थे, छोटे छोटे ब्रेक ही लेती थी। तो हम लोग सोचा थोड़ी देर लेट होने से भी धीरे धीरे अभी जाएंगे है ना शोशु। तो शोशु अभी रेडी हो रहे, देख लो। हाय बोलो। हाय। तो शोशु रेडी हो रहे हैं, देखा थी मेकअप, मेकअप कुछ नहीं है, बाल सब ऐसे ठीक कर रहे हैं। कल शोशु आकर नहाया है ना शोशु। मैंने कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही सो गया। कैसा लगा कल का राइड, इतना लंबा लंबा? तो अभी हम लोग आगे बात करेंगे है ना शोशु। तो अभी एक ब्रेक लेती हूँ, फिर बात करेंगे। तो हम लोग आगरा आ गया तो एक बार तो पेड़ा लेकर ही जाएगा, आप लोगों को मालूम है ना। तो मैंने सोचा इधर से तो ज़्यादा वेट तो गाड़ी में बहुत मुश्किल होगा, तो ये लेकर हम लोग जाएंगे। देख लो 5 किलो पड़ेंगे सर। ₹390 हो गया। तो अभी हम लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे में एंट्री हो गया, ₹330 पे किया, पे करके आराम से जाएंगे, टेंशन नहीं है ना शोशु। तो फिर देखो हम लोग उधर से पेड़ा लिया है ना, ये थोड़ा कोल्ड करके वो लोग दिया था, तो हम लोग एक एक खाकर जाएंगे सोचा है ना शोशु। मुझे नहीं चाहिए। ये तुम्हारा दे? नहीं। ऐसे है। अच्छा है।
बस और एक दो भी ले ज्यादा नहीं। जाते हैं इधर से पानी ले लिया। ये एक्सप्रेस वे में कुछ भी नहीं मिलता है, इस तरफ जाके लेना है ना। बैग में डाल दो, फर्स्ट बैग डाल दो फर्स्ट। कपड़ा गीला है इसलिए ये रखा है। गर्मी है, बहुत गर्मी है। गर्मी नहीं बोलने का, पानी किधर है? यही है, जाएंगे अभी। ये बोतल बोतल साइड पे रखा। अभी फिर से ब्रेक के बाद हमारा जर्नी शुरू हो गया। पूरा एक्सप्रेसवे है और कुछ दिखाने का भी नहीं, बोलने का भी नहीं। क्या बोलने का, एक्सप्रेसवे एक्सप्रेसवे एक्सप्रेसवे। अभी धीरे धीरे हम लोग साइड में ऐसे ही जाएंगे। गर्मी है फिर भी तो जाना पड़ेगा। आज हम लोगों को भी कैसे भी धीरे धीरे लखनऊ पहुंचना है ना शोशु? हाँ। तो अभी जाएंगे एक्सप्रेसवे में। 320 रुपीज़ 330 कितना पे किया शोशु? 330 रुपीज़ टू व्हीलर के लिए हम लोग पे किया है। फिर भी आराम से जा सकते हैं ना शोशु? एक्सप्रेस वे थोड़ी दूर आने के बाद पेट्रोल खरीदा ब्रेक के लिए, तो उधर पेट्रोल भर लिया। उसके बाद हम लोग सोचे कुछ तो खाकर जाएंगे। भी पूरा गर्मी गर्मी है इसलिए इधर रहना। एक फूड कोर्ट जैसा पंप में साथ में है, हम लोग आ गया तो इडली ले लिया है ना शुशु। 2 प्लेट इडली मीन्स दो दो इडली करी और दो चाय। 330 रुपीज़ पे किया है। चाय के लिए वेट कर रहे हैं। इडली तो मैं लेकर आ गया, अभी खाएंगे। लोग लखनऊ के उस तरफ आ गया। उधर पुलिस को हम लोग पूछा था रहने के लिए इधर होटल मिलेगा करके, क्योंकि ऑलरेडी अराउंड 6 o'clock हो गया। अभी आगे जाने का तो नहीं है, तो हम लोग सोचे इधर रुकेंगे, फिर कल सुबह 4 या 5 o'clock कैसे निकल जाएंगे करके। इधर एक होटल है, हम लोग इधर आ गया तो उनका कुछ उधर क्या है या कुछ फंक्शन का कुछ हो रहा है, तो हम लोग थोड़ी वेट करेंगे। डीलक्स रूम 1500 प्लस GST, सुपर डीलक्स कुछ 2000 प्लस GST कुछ बोल रही थी। हम लोग सोचा आगे नहीं जाने का है ना शोशु, इतना तो गर्मी में आ गया तो अभी सुबह जाना ही अच्छा है। कल तो वेट कर रहे हैं, कब तक उनका फंक्शन होगा हम लोग जाएंगे, वेट करें। पचिंग स्टेट, हाय वेलकम टू लखनऊ है ना शोशु। हम लोग है ना आगरा से निकल गया पूरा। आप लोग छोटे छोटे तो देखा, ज़्यादा वीडियो नहीं लेते, गर्मी गर्मी ऐसे थी। फिर हम लोग अराउंड 5:30 6 o'clock हम लोग इधर होटल के इधर आ गया। फिर थोड़ा इधर कुछ किसी और का फंक्शन चल रही थी इसलिए थोड़ा चेकआउट के लिए थोड़ा तो लेट हो गया। फिर भी अभी हम लोग चेक इन हो गया, अराउंड 7 o'clock होने वाला है ना शोशु। हाँ 6:40 7 o'clock होने वाला है। तो हम लोग ये रूम मिल गया, तो रूम तो अच्छा है ना शोशु। ये तो 1500 प्लस GST, तो 1680 उन्होंने लिया। तो भी अच्छा रूम है, एसी है, टॉयलेट है, क्या क्या है देखो, अच्छा रूम है। हाँ देखने में हम लोगों को थोड़ा हैप्पी हो गया है ना शोशु। इतने दिन लिया रूम से थोड़ा बेटर लग रहा है, फीलिंग हो रहा है। फिर बाद में बात करेंगे, अभी तो एंट्री हो गया, देखने में अच्छा लग रहा है बस है ना शोशु। बाथरूम कैसा है देख लिया तुमने? अच्छा है ना। तो एसी तो है अभी। फिर भी और एक बात है, अच्छा लगा क्योंकि इधर मेन्यू रखा है उनका खाने का। हम लोग कल आगरा में रहते हैं ना, एवरी ईयर अराउंड 4 साल से हम लोग एक ही होटल में जाते थे। उधर का मैंने एक बार नहीं, अभी दोबारा भी मुझे क्या नेगेटिव फीलिंग हो गया, बहुत
मुफ्त रेट है सभी चीज़ के लिए आप लोग। कल हम लोग क्या है ना, एक तीन रोटी, नॉर्मल रोटी विदाउट एनी बटर, तीन रोटी, एक दाल फ्राई, एक सैलड, सैलड माता है ना कुकुम्बर, छोटा सा एक प्याज कुछ, एक इतना ही के लिए 500 रुपीज़ के ऊपर, एक वाटर बॉटल करके 510 रुपीज ले लिया। तो मुझे जब भी, एक बार पहले भी मैंने उनको कंप्लेन किया था क्यों ऐसा कर रहे हैं। इस बार ये क्या होते हैं ना, मैनेजमेंट वो होटल का चेंज होते रहते हैं, हम लोग सोचा नहीं आगे नहीं जाएंगे, है ना शिशु, मैंने हम लोग फिक्स किया क्योंकि हम लोग सोचेंगे अच्छा है, टॉयलेट भी अच्छा नहीं है बिल्कुल। वो फर्स्ट हम लोग गया बहुत अच्छा था, फिर उसके बाद ना थोड़ा 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 तो कमी हो रहे है, क्या करूँ मजबूरी में। हम लोगों का मन में क्या होती है ना, किसी एक होटल में हम लोग अच्छा हो गया तो फिर उधर ही जाते रहते हैं, तो वो हमारे गलती है। मैंने शोशु को भी बोला अभी आगे नहीं जाने का, क्योंकि ये 5-स्टार होटल नहीं है, एक मामूली, इससे भी इतना तो भी नहीं है, अच्छा नहीं है, नॉर्मल एक अच्छा होटल है। 1200 उनका तो हम लोग पे किया था पहले, पिछले साल तो 1000 था, तो 200 एक्स्ट्रा हो गया मैडम। ओके, हम लोग कोई भी होटल में जाकर नेगोशिएशन बोलते नहीं, वो लोग क्या बोलते हैं, हम लोग पे करते हैं, नहीं नेगोशिएशन करके उनको टेंशन हम लोग करते नहीं, तो उनका है ना वो पैसा लेते, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वैसा होना चाहिए ना, खाना अपा 5-स्टार होटल के रेट जैसे लेते हैं कोई। अभी तक मैं उसका मेनू देखा नहीं, शोशु डर हो के शोशु बोलते मुझे मेनू नहीं दिखाना, हमें ऑर्डर नहीं कर सकते कर। फिर मैंने ऐसे ही अंग बोल दिया, तीन रोटी, एक दाल फ्राई और एक वाटर बॉटल, एक सैलड। फिर हम लोग होटल भी इतना कॉस्टली, 5-स्टार होटल ही कॉस्टली है तो भी उतना तो उसमें क्वालिटी या कुछ कुछ वो भी होते है ना, ये ऐसा भी नहीं नॉर्मल हम लोग रोड पे खाते है ना, वैसा ही चीज है, क्या है पता नहीं ऐसे क्यों करते हैं भी मालूम नहीं। इंडिया में तीन रोटी, एक दाल फ्राई और सैलड के लिए 510 रुपीस, एक वाटर बॉटल, क्या कर रहे लोग पता नहीं। इधर तो अभी हम लोग मेनू देखने से लोग थोड़ा ये होटल की ताकत में थोड़ा रीजनेबल रहा, खाने के लिए शोशु को मेनू देखने के लिए अच्छा लगा है, हम लोग देखेंगे, खाने के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम लोग, थोड़ा फ्रेश अप होना है। कीप वाचिंग स्टे ट्यून्ड।